अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, मैं ध्रुव परमार, प्रेजेंटिंग बाय ओप्पो FF 2020। यार आज मैं आया हूँ कसल प्रोग्राम के अंदर। यार बहुत ही अच्छा माहौल, व्यूज नज़र आ रहे हैं। यहाँ से लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। यहाँ आज थोड़ा गज़ल इंजॉय करें। जो आपको दे और फिर बाद में आप देखें कि रहती दुनिया तक मलका तरन्नुम नूरजहां और लता मंगेशकर साहिबा का नाम मौजूद रहेगा। जब भी मौसीकी की बात होगी तो दोनों का सहरा मास्टर साहब के सर जाता है। मास्टर साहब का आगाज मौसीकी में बिल्कुल वैसे ही हुआ। उन्होंने भी बिल्कुल थिएटर के स्टाइल में शुरू किया था अपना काम। हारमोनियम प्लेयर थे, लोगों को शायद पता ना हो, मास्टर साहब खुद हारमोनियम प्लेयर थे और खुद गुनगुनाते भी थे। जितनी कंपोजिशन उनकी थी सारी की सारी वो पहले धुन बनाते थे, गानों के अल्फाज उसमें बाद में आते थे। ये भी एक शोभा होता है कि लोग पहले गाना लिखते हैं फिर उसके बाद कंपोजिशन बनती है, लेकिन मास्टर साहब को मलका हासिल था कि पहले उनकी कंपोजिशन इतनी अच्छी होती थी कि बाद में लिरिसिस्ट उसमें अल्फाज बोते थे। तो ये कुछ बातें थी। मैंने कहा मैं शुरू में ही जरा सा स्टेज सेट कर दूँ बात करने के लिए, क्योंकि जितनी मौसीकी चल रही है उसमें अभी तक मास्टर साहब की कंपोजिशन अभी नहीं आई, लेकिन जाहिर है आने वाले सिंगर्स आएंगे तो मास्टर साहब की कंपोजिशन भी सुनाएंगे, लेकिन वो सारी कंपोजिशन भी बहुत अच्छी हैं। तो एक बहुत ही गीतों भरी शाम है। मैंने अख्तर अली अख्तर साहब को भी देखा, आपका शुक्रिया, आपकी तशरीफ लाए।
इनके लिए बहुत सारी तालियां मिल रही है। जी
सब बैठे, सॉरी मैंने पहले आप लोग से इजाजत ली। अभी तक तो दरबारी आगे का पता नहीं। अच्छा ये बहुत रियाज से आता है सारी चीजें, तो कोई गलती गुस्से अगर हो जाए तो मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा ना हो। ठीक है बाबा बता दे बाबा बता रे अनिल ने दरगाह रे बाबा दादा
I'm gonna go
माहौल में ढलते हुए दो बोल में जरूर गाऊंगा। पहले
राधा श्री लता जी के लिए दो बोल मैडम के लिए, उसके बाद जो मेरा टूटा फूटा है वो मैं पेश करूँगा। सर बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सा यहाँ बैठ जाए, वीडियो खराब हो जाएगी।
ये बहुत बड़ा तबरुक है मेरे लिए जी, बाबा जी के लिए बहुत सारी तालियां हो रही है।
Nidara mama, 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 nidara mama,